हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन द सराउंडिंग्स के लखमीर सिंह के क्वेश्चंस। अभी हम इसके फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हाफ तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 37 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस डिफर इन शेप एंड वॉल्यूम। तो शेप एंड वॉल्यूम में ये तीनों कैसे डिफर करते हैं? जो सॉलिड्स होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ये चीज़ हमने पढ़ी है, काफ़ी बेसिक है कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड्स के केस में दे हैव फिक्स्ड शेप बट नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड गैसेज हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। हमसे बस ये पूछा था कि उनकी शेप और वॉल्यूम कैसी होती है, हमने उसे एक्सप्लेन करने को नहीं बोला है बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि इसका रीज़न क्या है, बस हम यहाँ पे सिर्फ वो लिखेंगे कि क्या होती है। सॉलिड की फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होती है, लिक्विड्स की फिक्स शेप बट सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आप ठीक कर लेना। गैसेस हैव नो फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड गैसेज नाइदर हैव फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। सो हमें एक्सप्लेन करने को नहीं बोला तो हम यहाँ पे रीज़न नहीं लिखेंगे। 39th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। असेंडिंग में लिखना है, मतलब पहले सबसे कम। अब इन तीनों में जो ऑक्सीजन है वो गैस है, वाटर लिक्विड है और शुगर सॉलिड है, तो हम इसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे कम गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। सो सबसे ज़्यादा, सबसे कम ऑक्सीजन का, देन वाटर एंड देन शुगर। 40th क्वेश्चन, Give two reasons to justify that water is the liquid at room temperature. Room temperature पे water liquid होता है, इसको हम कैसे justify करेंगे? So ये चीज़ तो हमें पता है, liquid होता है, of course water जो है वो room temperature पे liquid होगा, but इसको justify कैसे करेंगे? तो जब भी हमें कुछ ऐसी चीज़ justify करने को बोली जाए तो हम उसकी properties लिख देंगे। water की property होती है कि उसकी fixed shape नहीं होती पर fixed volume होती है और वो flow कर सकती है। ये दोनों ही जो properties हैं ये बताती हैं कि वो जो substance है वो liquid है, या कोई और होता तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते, जैसे सेकेंड पार्ट में बोला है। वाटर इज लिक्विड, तो हमने लिख दी दो प्रॉपर्टीज, इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, इट डज नॉट हैज़ फिक्स्ड शेप। इसके आगे ऐड भी कर सकते हैं, द वाटर फ्लो इजीली, ठीक है, वाटर हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसलिए वो लिक्विड है। सेकेंड हमसे बोला था आयरन मेरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज, क्योंकि हमने सॉलिड की दो प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे, इट हैज़ फिक्स्ड शेप, इट हैज़ फिक्स वॉल्यूम। हम ऐड कर सकते हैं कि इट डज़ नॉट फ्लो, इट इज़ रिजिड, तो ये सब चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में, जिससे ये जस्टिफाई हो जाएगा कि वो सॉलिड है या लिक्विड है। 41 क्वेश्चन, व्हेन एन इंसेंस स्टिक इज लाइटेड इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम इट्स फ्रेग्रेंस क्विकली स्प्रेड इन द एंटायर रूम, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व। अब हमसे सिर्फ नेम बोला है तो इसका सिंपल एक वर्ड का आंसर है डिफ्यूशन। जो इंसेंस स्टिक की खुशबू होती है वो पूरे कमरे में कैसे फैलती है? क्योंकि इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स डिफ्यूज़ होते हैं गैस के, एयर के पार्टिकल्स के साथ, सो इट इज़ डिफ्यूजन। बी पार्ट है, अ गर्ल इज कुकिंग सम फूड इन द किचन, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड सून रीचेज हर ब्रदर्स रूम, एक्सप्लेन हाउ। मतलब वो स्मेल जो है वो कैसे पहुँचे उसके कमरे तक? सो वही प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया, थ्रू डिफ्यूजन, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीचेज द अदर रूम बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। जो फूड से गैस निकल रही है उसमें फूड के वो पार्टिकल्स हैं जो स्मेल क्रिएट कर रहे हैं। अब ये एयर के साथ डिफ्यूज़ होती है और कुकिंग के वक्त एयर के साथ डिफ्यूज़ होकर ये हर कमरे में फैल जाती है ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वर्ड मेंशन करना ज़रूरी है आंसर में बिकॉज इट इज़ द मेन वर्ड, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। 42nd क्वेश्चन, व्हाट डज अ डिफ्यूजन ऑफ गैस टेल अस अबाउट देयर पार्टिकल्स। गैसेस की डिफ्यूजन हमें उनके पार्टिकल्स के बारे में क्या बताती है? देखो ये बताती है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जो है वो बहुत बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो क्यों हो जाता है आसानी से? बिकॉज हमें उनके पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ पता चल रही हैं, कि उसके पार्टिकल्स मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शंस एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन गैस डेंसिटी। मतलब हमें ये बताता है डिफ्यूजन की जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो बहुत फास्ट मूव करते हैं हर डायरेक्शन में, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस भी होती हैं। और दूसरा आता है गैस डेंसिटी, गैस डेंसिटी वही मतलब स्पेसेस वाला पॉइंट, अगर स्पेस ज़्यादा है तो वो गैस हल्की होगी, डिफ्यूजन फास्टर होगा, और अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ी कम है तो वो गैस थोड़ी भारी होगी और डिफ्यूजन कम होगा। सो लाइटर द गैस मोर द डिफ्यूजन, अगर गैस हल्की है तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, अगर गैस भारी है तो डिफ्यूजन कम होगा। तो ये दो चीज़ें हमें पता चल रही हैं
ठीक है, बेसिकली फर्स्ट वाला कह रहा है मूव क्विकली इन ऑल डायरेक्शन, एंड सेकेंड बोल रहा है कि देयर पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। बी पार्ट के वन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, गैस इन लिक्विड के बहुत सारे हैं, मेन हम सिंपल लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज इन टू वाटर। एटमोसफेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो वाटर में डिफ्यूज़ होती है, जिससे फिशेज़ वगैरह जो हैं वो सांस ले पाते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सांस ले पाते हैं। आंसर नंबर 43, क्वेश्चन 43, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, बट यहाँ पे एक चेंज आया है, टू गेट द स्मेल ऑफ फ्रॉम कोल्ड फूड वी हैव टू क्लोज इट, वी हैव टू गो क्लोज टू इट। अब यहाँ पे हॉट फूड की स्मेल हमें क्यों आ रही है, ये आपको बहुत अच्छे से अब पता होना चाहिए कि जो स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड है वो हमसे पहुँचती है बिकॉज ऑफ डिफ्यूशन। अब यहाँ पे जो चीज़ ऐड हुई है वो ये है कि हॉट फूड की पहुँचती है, कोल्ड फूड की नहीं पहुँचती। उसका रीज़न ये है, हॉट फूड मतलब हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मीन्स हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी मीन्स फास्टर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, प्रोसेस समझना, हॉट फूड हाई टेम्परेचर हाई काइनेटिक एनर्जी विच अल्टीमेटली मीन्स कि उसके पार्टिकल्स बहुत क्विकली मूव कर रहे हैं, मूवमेंट फास्टर होगी तो डिफ्यूशन भी जल्दी होगा और वो ईजिली पूरे रूम में फैल जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड कोल्ड फूड बहुत कम टेम्परेचर, एकदम जीरो काइनेटिक एनर्जी, या फिर जीरो तो नहीं कहूँगा बट कम काइनेटिक एनर्जी बहुत, एंड बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होने के बाद वो जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करेंगे इतना तेज़, एंड इसलिए वो स्मेल पूरे कमरे तक नहीं फैलेगी। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, स्मेल ऑफ हॉट सिलिंग फूड रीचेस अस क्विकली एज कम्पेयर टू कोल्ड फूड बिकॉज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट गैसेज इन टू एयर इज फास्टर देन दैट ऑफ कोल्ड गैसेज। अब अगर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की जगह थोड़ा सा लॉन्ग आ जाता तो आप इसमें ये ऐड करना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है डिफ्यूजन ऑफ हॉट गैसेस इनटू एयर इज़ फास्टर, इस पॉइंट को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि सॉरी हॉट गैसेस हैं, सो यही वाला जो मैंने पॉइंट बताया था, हॉट गैसेज ऑफ हायर टेम्परेचर विच मीन्स मोर काइनेटिक एनर्जी एंड मोर क्विक मूवमेंट विच अल्टीमेटली लीड्स टू फास्टर डिफ्यूजन। ये लाइन आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी अगर ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग में आता है तो। 44 क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। एक ही तरीके का ये थर्ड क्वेश्चन है, सो यहाँ पे भी वही हमें आंसर लिखना है, स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीचेस अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज होकर पूरे रूम में फैल जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन्ड इन अ रूम वी कैन स्मेल इट इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। वही चीज़ यहाँ पे 45 का 46 का दोनों का आंसर डिफ्यूजन ही है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इन टू द एयर। परफ्यूम के जो वेपर्स हैं वो जब बॉटल खुलती है तो परफ्यूम के वेपर्स ऊपर जाते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी, परफ्यूम इज अ वॉलेटाइल मटीरियल, मतलब रूम टेम्परेचर पर ही वेपर्स की फॉर्म में चेंज होता है। सो यहाँ पे भी स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इन टू द एयर। 46 क्वेश्चन ये कह रहा है, एक्सप्लेन वाई अ क्रिस्टल सॉरी व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ बीकर कंटेनिंग वाटर, वाटर टर्न्स ब्लू, व्हाई। तो वाटर क्यों टर्न ब्लू होता है, बिकॉज जो वो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो वाटर में जब जाता है तो वो अपने आप ही बिना मिक्स करे पूरा स्प्रेड हो जाता है ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से हमें मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम जैसे ही डालते हैं वो अपने आप पूरा फैल जाता है, और वो फैलता है बिकॉज जो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं। हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर, कैन यू सजेस्ट वाई। कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ से गाढ़ी तभी होती है जब उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम होते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ हनी इज़ मच मोर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। हनी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। मतलब हनी के पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा करीब होंगे, वाटर के थोड़े फार होंगे, इसीलिए हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर। विस्कस मतलब गाढ़ापन, ठीक है। 48, एयर इज़ यूज टू इन्फ्लेट टायर, स्टील इज़ यूज टू मेक रेलवे लाइन्स। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, हमें पता है ये चीज़, बट रीज़न पता है, देखते हैं। हम क्यों भरते हैं टायर को एयर से, बिकॉज वेन वी ब्लो एयर इन टू अ टायर द पार्टिकल्स पुश द टायर वॉल्स फ्रॉम इनसाइड एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन देम। हमने पढ़ा था
कंटेनर जो गैस होती है वो अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल करती है, यहाँ पे वो कंटेनर टायर है जिसको वो गैस कम्प्लीटली फिल कर रही है। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था, इट एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, यहाँ पे भी वही हो रहा है, जो एयर है वो टायर के वॉल्स पे प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। स्टील को हम क्यों यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग, क्या था, स्टील इज़ यूज फॉर मेकिंग रेलवे लाइन्स, बिकॉज रेलवे लाइन्स पे बहुत भारी ट्रेन चलती है एंड उस ट्रेन की जो वेट है उसको सहन करने के लिए हमें एक हार्ड ऑब्जेक्ट चाहिए, एक रिजिड ऑब्जेक्ट चाहिए, तो स्टील हम यूज़ करते हैं बिकॉज स्टील इज़ अ रिजिड ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई डिफ्यूजन अकर्स मोर क्विकली इन अ गैस देन इन अ लिक्विड, तो इसका भी काफ़ी सिंपल आंसर, डिफ्यूजन इन फास्टर इन गैसेज बिकॉज इट्स पार्टिकल मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन, गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में बहुत तेज़ मूव करते हैं और उनके बीच में स्पेस ऑफ अट्रैक्ट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है, स्पेसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ गैस आर स्लो टू मूव एज कम्पेयर टू, यहाँ पर भी मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, इसको सही कर लेना, सॉरी, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आना था यहाँ पर, मैंने दोनों जगह गैस ही लिख दिया, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, मैं ठीक कर देता हूँ, गैस को काट देना, यहाँ पे आएगा लिक्विड, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जो होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है जिससे पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम होती है एज़ कम्पेयर टू गैस, तो गैसेस में डिफ्यूजन फास्टर होती है एंड लिक्विड्स में डिफ्यूजन स्लोअर होती है। इसके साथ हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर देंगे।